रिसेंटली Xiaomi ने अपना मच अवेटेड Redmi Note 6 स्मार्टफोन इंडियन मार्केट्स में लॉन्च किया, पर अनफॉर्चुनेटली ये स्मार्टफोन अपने प्रेडेसेसर जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और इसका मेन रीजन था सेम ओल्ड स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन जो Xiaomi Redmi Note 6 Pro के साथ दे रही थी। जबकि Realme और Asus जैसे ब्रांड सेम प्राइस में Redmi Note 6 Pro से अच्छे वैल्यू फॉर मनी वाले स्मार्टफोन्स प्रोवाइड कर रही है, तो Redmi Note 6 Pro का फ्लॉप होना तो कंफर्म था। पर Xiaomi अब लगता है पूरी तैयारी कर रही है अपने मार्केट शेयर्स वापस लेने की, और रिसेंटली ही कंपनी ने यह अनाउंस किया है कि अब Redmi एक सेपरेट ब्रांड होगी फ्रॉम Xiaomi, ठीक वैसे ही जैसा Oppo ने Realme के साथ किया, और अब Realme इंडिया में एक सक्सेसफुल ब्रांड बन चुकी है। तो पिछले कुछ दिनों से हमें काफी लीक्स देखने को मिल रही हैं अपकमिंग Redmi Note 7 या Note 7 Pro की, और ऐसा लगता है कि कंपनी इस स्मार्टफोन को कुछ ही महीनों में लॉन्च करने की तैयारी में है। सो हे फोक्स, मेरा नाम है समीर, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 7 या Note 7 Pro के बारे में, और जानेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, प्राइसिंग और रिलीज डेट के बारे में। एक्साइटेड? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन से। रिसेंटली टेनी की लिस्टिंग ने कंफर्म किया है कि Redmi Note 7 Pro में हमें 6.3 इंच वाला फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद अ वाटर ड्रॉप नॉच। और सबसे कमाल की बात यह होगी कि इस बार हमें बैक पैनल में एक ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिलेगा, ठीक ऑनर डिवाइसेस की तरह। बात करें इसके प्रोसेसर की तो 7 जनवरी को Geekbench के थ्रू इस स्मार्टफोन के स्कोर्स लीक हुए थे, जिससे ये भी कंफर्म हो गया कि इस स्मार्टफोन में हमें Snapdragon का 660 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक मेजर अपग्रेड है Snapdragon 636 से। तो हम इस नए डिवाइस से उम्मीद कर सकते हैं कमाल की परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ। इस डिवाइस में हमें तीन वेरिएंट्स देखने को मिलेंगी, 4GB रैम, 6GB रैम एंड 8GB रैम वाला, और स्टोरेज होगा मिनिमम 32GB फॉर द बेस वेरिएंट, अप टू 128GB फॉर द हाई एंड वेरिएंट। 10A की लिस्टिंग से ये भी कंफर्म हो चुका है कि इसमें हमें 3900mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद एंड्रॉइड 9.0 पाई आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि बेस्ड होगा MIUI 10 पर। बात करें इसके कैमरा की तो पीछे की तरफ हमें एक डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, ठीक इसके प्रेडेसेसर की तरह, बट इसका डिजाइन डिफरेंट होगा, ठीक MI Play स्मार्टफोन जैसा। अब कुछ लीक्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि इसका प्राइमरी कैमरा हो सकता है 48 मेगापिक्सल का हो, और कंपनी ने फिलहाल में इसका एक टीजर पोस्टर भी लॉन्च किया था। पर मुझे ऐसा लगता है कि 48 मेगापिक्सल कैमरा Note 7 Pro में ना होकर Redmi Pro 2 में आएगा, क्योंकि वो एक कैमरा सेंट्रिक डिवाइस है। बाकी आने वाले कुछ हफ्तों में देखते हैं कि क्या निकल कर आता है, क्योंकि Xiaomi 10 जनवरी को एक नया Redmi स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है चाइना में। बात करें इसके डिजाइन की तो 10A लिस्टिंग ने ये कंफर्म किया है कि इसमें फ्रंट में आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगा, और रिसेंटली ही एक चाइनीज सोशल मीडिया पर इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी लीक हुई है, और इस वीडियो को देखकर ये लगता है कि ये डिवाइस काफी हद तक Xiaomi Play स्मार्टफोन जैसा होगा। पीछे की तरफ हमें पहली बार एक ग्रेडियंट कलर वाला पैनल देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफी यूनिक लगता है। पीछे हमें एक डुअल कैमरा सेटअप और बीच में एज यूजुअल एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा। तो ओवरऑल डिजाइन में कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, पर हाँ कुछ नए डिजाइन एलिमेंट्स हमें देखने को जरूर मिलेंगे। तो आखिर में बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग और रिलीज डेट के बारे में। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये डिवाइस हमें काफी जल्दी देखने को मिल सकता है ड्यू टू फेलियर ऑफ Redmi Note 6 Pro। तो कुछ सोर्सेस का ये कहना है कि ये डिवाइस हमें मार्च के अराउंड देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि इसकी लीक्स ऑलरेडी आनी शुरू हो चुकी हैं, और इसकी प्राइसिंग होगी अराउंड 13,000 इंडियन रुपीज फॉर द बेस वेरियंट, और ये जाएगी अप टू 16,000 रुपीज फॉर हायर एंड वेरियंट, जो की अगेन काफी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि Xiaomi हमेशा अपने नोट सीरीज को इसी प्राइस रेंज में उतारती है। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और वो बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप कोई भी फ्यूचर की वीडियोस ना मिस कर पाएं। तो यार मेरा नाम है समीर, और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में।